नमस्कार दोस्तों, आइए सबसे पहले जिन व्यक्तियों का आज जन्मदिन है उन सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाओं सहित आशीर्वाद। राम राम, जय माता दी, जय गुरुदेव। आज आपको छोटे बच्चों के स्वस्थ रहने के हिसाब से कुछ टोटके बताए जा रहे हैं गुरु महाराज माता जी की कृपा से, तो सुनिएगा। और कुछ राशि के हिसाब से आपको धन प्राप्ति के उपाय भी बताए जाएंगे। तो दोस्तों, क्या है, छोटे बच्चों को नजर बहुत लगती है, इसके लिए आपको करना ये है कि हाथी की जो लीद रहती है उसको सुखाकर, उसकी भस्म बनाकर चांदी के तावीज में भरकर बच्चों को पहना दीजिएगा, नजर नहीं लगेगी। और सबसे ज्यादा नजर अपनी ही लगती है, अपने बच्चों को। तो इस प्रकार यह आप कार्य करें बच्चों को नजर से बचाने के लिए। दूसरा ये कि कुश्की चटाई या कुश्की चादर, कुसा जिसको बोलते हैं, वह उस पर सोने से घर की महिलाओं की, बच्चियों की, छोटे बच्चों की यदि तबीयत गड़बड़ है किन्हीं कारणों से, बाहरी बाधा के कारण से, तो आप उस कुसा की चटाई चादर का उपयोग करें, उस पर सोएं, निश्चित ही वह उस रोग से मुक्त हो जाएगी। तीसरा, ये आपको कुछ वस्तुएं बता दे रहे हैं, देखिएगा, ये कुछ पुराने सिक्के हैं, ये गोमती चक्र और पीली कौड़ी है, ये इसमें गुंजा जिसको गोमती भी बोलते हैं, और ये है नाग केसर, ठीक है। अब इनका कार्य यह है कि यदि गोमती चक्र के 11 गोमती चक्र घर के मुख्य द्वार पर आप चिपका देंगे और उन पर कुमकुम का तिलक करेंगे तो बाहरी बाधा कुछ भी घर में प्रवेश नहीं करेगी और लक्ष्मी जी की कृपा विशेष होगी। इसके बाद ये जो पीली कौड़ी है, इससे किसी भी प्रकार की बाहरी बाधा, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत बाधा ये है, ये इससे शांत होती है। इसका भी संख्या के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। आप 21 ये पीली कौड़ी कहीं से प्राप्त करें और सफेद वस्त्र में, जो कि नया कोरा हो, उसमें आप इसको बांधकर इस पर पहले सिंदूर से तिलक करेंगे 21 पर, 21 पीली कौड़ियों पर सिंदूर का तिलक करेंगे और तिलक करते समय ओम ह्रीम नमः यह मंत्र बोलेंगे। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपके घर की जो बाहरी वाला बुरी नेगेटिविटी है वह सब समाप्त हो जाएगी और धन का आगमन, इसके लिए रास्ते आपके खुल जाएंगे। व्यापार में रुकावट हो गई उसमें भी इसमें लाभ मिलता है। तीसरा, नाग केसर शिवजी को सोमवार के दिन चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है, दुश्मनी समाप्त होती है और जो आपसे विरुद्ध हो गए हैं वह आपके पक्ष में आने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यह कुछ शास्त्रों के अनुसार ये टोटके हैं। ये जो पुराने सिक्के आप देख रहे हैं, इसमें 1 पैसे का तांबे का सिक्का भी है, 20 पैसे का पीतल का सिक्का भी है और बहुत पुराने सिक्के भी हैं। इनको आप घर में रखेंगे, पूजन स्थल पर रखेंगे, पीले कपड़े में, रेशमी कपड़े में बांधकर, तो यह आपके लिए बहुत ही उचित और लाभकारी होगा।
इससे धन आगमन होने लगता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक विशेष और बहुत ही अद्भुत प्रयोग, यदि आप किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में आप कार्य करते हैं, आप अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, आपके विरुद्ध कुछ कर्मचारी हो गए हैं या किन्हीं कारणों से आपके विपक्ष में हो गए हैं, वह कोई षड्यंत्र रचते हैं, तो इसके लिए आपको एक विशेष अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बता रहे हैं। वह ये कि घोड़े की लीद को आप प्राप्त करें, उसको जलाकर भस्म बनाएं और उसको एक काले कपड़े में रखकर आप अपने साथ में रखें, ऑफिस में जाएं, ले जाएं, आपके देखते देखते जो आपके विपक्ष में है वह आपसे या तो कुछ बोलेगा नहीं और या फिर वो आपके ही पक्ष में बात करने लगेगा। जय माता दी, जय महाकाली, जय महा गुरुदेव महाराज, नमस्कार।